नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सम्राट स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस वीडियो कलयुग से जुड़ी कुछ विशेष बातों में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में चार युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गंधर्व इस पृथ्वी पर निवास करते थे। त्रेतायुग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसके बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर पृथ्वी से सारे दुष्टों का नाश किया। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है, 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। और इस युग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। विष्णु पुराण के अनुसार इस युग में कन्याएं केवल 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य की औसत आयु घटकर मात्र 20 साल रह जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार देवताओं के पूछे जाने पर कि किस युग में तप और व्रत का फल जल्दी मिलेगा, तो पराशर ऋषि ने श्री वेदव्यास जी के कथनों का स्मरण करते हुए कलयुग को ही सबसे उत्तम बताया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों के रचनाकार माना जाता है। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 10 वर्ष के व्रत और तप से जो पुण्य सतयुग में प्राप्त होता था, वही पुण्य कलयुग में मात्र 1 वर्ष में प्राप्त होगा। और ये बातें स्वयं पराशर ऋषि ने कहा है, जो कि मुनि शक्ति ऋषि के पुत्र तथा वशिष्ठ ऋषि के पौत्र है। माना जाता है कि पराशर ऋषि को सभी वेदों का ज्ञान था। तो दोस्तों, अगर आप सबको भी ऐसे वीडियोस देखना पसंद है जो कि हमारे कल्चर और सनातन धर्म से जुड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।